नमस्कार, मैं ज्योति पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का टीवी इंडिया 18 में, जिसमें हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। चलिए रुख करते हैं बड़ी खबरों की तरफ। दिल्ली में किसान आंदोलन में शामिल बुंदेलखंड किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे महोबा गुलाबी गैंग किसान हित यूनियन के साथ। बुंदेलखंड किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विमल शर्मा दिल्ली पंजाब बॉर्डर पर कई दिनों से के सफल आंदोलन को पूरा करने के बाद सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ महोबा पहुंचे। बुंदेलखंड किसान यूनियन की अध्यक्ष के पहुंचने पर महिलाओं ने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ने वाली गुलाबी की बुंदेलखंड कमांडर ने माला भेंट कर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आगामी 26 जनवरी को दिल्ली लाल किले के मैदान में सैकड़ों किसान तिरंगा लेकर पहुंचने की बात कही। महोबा के निजी गेस्ट हाउस में बुंदेलखंड किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विमल शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार ने यह बिल किसानों की परेशानी के लिए बनाकर तैयार किया है और यह सब कॉरपोरेट घरानों के मालिकों को फायदा पहुंचाने का काम हो रहा है। सरकार जब तक यह सभी बिल वापस नहीं लेगी तब तक किसानों का आंदोलन खत्म नहीं होगा। किसानों और गुलाबी गैंग कमांडर से बैठक के बाद अध्यक्ष ने कहा कि 26 जनवरी को हम लोग सैकड़ों किसानों के साथ शामिल होकर दिल्ली में तिरंगा लेकर जोरदार प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली में किसानों के समर्थन को लेकर सड़कों पर गुलाबी गैंग ने किसानों की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात कही। हम तो शुरू से हैं और अभी भी हम तैयार हैं। जिस तरह से इन्होंने कहा कि हम ट्रैक्टर की यात्रा निकालेंगे, ये गुलाबी गैंग भी भूमिका बना रही है कि हम भी एक अपनी डेट बताएंगे मीडिया को और हम भी ट्रैक्टर से रैली निकालेंगे। गांव-गांव में हम लोग रैली निकालेंगे और इसका किसानों का समर्थन करेंगे, क्योंकि सबसे पहले गुलाबी गैंग तो हम बाद में हैं लेकिन किसान तो हम पहले हैं ना, तो हम तो किसान के हक की लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, हमारे जो संयुक्त मोर्चा है गठबंधन 500 किसानों का संगठन, उन्होंने 26 जनवरी को डेडलाइन घोषित की है और जो हमारा शांतिपूर्वक अहिंसात्मक आंदोलन एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है पूरे देश में, उस आंदोलन को 26 जनवरी को हम लोग भी पूरे किसान देश के तिरंगा हाथों में लेकर अपनी ट्रैक्टर ट्रालियों में अपने वाहनों में तिरंगा बांध करके और लाल किले पे हम लोग भी परेड करेंगे। आखिर क्यों कोई किसान क्यों नहीं परेड कर सकता, हमारा भी शांतिपूर्वक आंदोलन है और अब किसान भी इस गणतंत्र दिवस के मौके पर उस परेड में शामिल होगा। गुलाबी गैंग संगठन आपके साथ आ गया, क्या कहना चाहेंगे? हम बहुत धन्यवाद देते हैं गुलाबी गैंग का और उनके सारे सदस्यों का, पदाधिकारियों का, कि इस लड़ाई में वो किसानों के साथ में हैं और हम अपेक्षा करते हैं कि सारे संगठन मिलकर के और गुलाबी गैंग मिलकर के हम लोग भविष्य में इस आंदोलन को और मजबूती प्रदान करेंगे।